नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। काम को कभी बोझ नहीं बनाना चाहिए, तो उसके लिए हमें काम को सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो जिसके लिए डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं डीक्लटरिंग कर रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है। पूरे वक्त तो आप साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फजूल का सामान हटाना बहुत ज़रूरी है। जो सामान आपके लिए यूज़फुल नहीं है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए यूज़फुल हो। अनावश्यक सामान को जब आप निकालते हैं तो काम की चीज़ें बड़े आराम से आपको मिल जाती हैं। इससे आपको उलझन भी नहीं होती है, समय भी बचता है। लेकिन डीक्लटरिंग का ये भी मतलब नहीं है कि जोश जोश में आप ऐसा सामान भी निकाल दें कि कुछ दिनों बाद आपको वो सामान दोबारा खरीदना पड़े। फिलहाल मैं किचन की डीक्लटरिंग कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे किसी से मतलब खुद ही सारे फैसले लेना है। लेकिन जब बाकी चीज़ों की आप डीक्लटरिंग करें, जैसे तो आप हस्बैंड से भी साथ में उनको भी ले लीजिए, और अगर बच्चों के सामान की करें तो बच्चों को भी साथ में ज़रूर लीजिए। तो ये देखिए मैं क्या क्या डीक्लटर कर रही हूँ। तो ये देखिए एक्स्ट्रा ग्लास है, और मैं ये दीदी की भी मदद ले रही हूँ। डीक्लटरिंग करते समय कई बार छुपा हुआ सामान भी मिल जाता है। ये देखिए, ये क्लिप्स मेरे अंदर किसी शेल्फ में रह गए थे। अब मैं ये ग्लास वगैरह, जो एक्स्ट्रा ग्लास है, वो निकाल रही हूँ। और इस साथ ही साथ मेरे किचन की सफाई भी हो रही है। डीक्लटर आप अपने अकॉर्डिंग करें, चाहे उसे थ्रो आउट करें या डोनेट करें या सेल आउट करें। यकीन मानिए, डीक्लटर करने के बाद आपको इतना आराम, इतना हल्का लगेगा जैसे एक बहुत सारा बैगेज सिर पे रखा हो वो हट गया हो। चीज़ें बहुत आसानी से मिलेंगी, आपके समय की भी बहुत बचत होगी। ये देखिए, ये सब कप ग्लास, ये सब मेरी हेल्पर बड़ी खुशी खुशी ले गई। इस कप को तो मैंने फेंक दिया। टूटे फूटे कप आप बिल्कुल, जिनमें थोड़े भी क्रैक्स आ गए हैं, ना तो आप किसी को दीजिए ना आप रखिए, इन्हें थ्रो आउट कर दीजिए। अब ये है शेल्फ, तो जिसमें मैं पॉलीथीन, बोरे और पता नहीं जो इस तरीके की झिल्लियाँ पन्नियाँ वो सब रखती हूँ, तो उसकी सफाई कर रही हूँ। इसकी मैंने अच्छे से सफाई की, और सफाई करने के बाद मैंने बस कुछ काम के पॉलीथीन्स रखे, और बाकी सारे बोरे और पन्नियों को मैंने एक पास में ही एक सब्ज़ी वाला है उसके यहाँ भिजवा दिए। वो भी बड़ा खुश हो गया, उसके लिए ये सब चीज़ें यूज़फुल थी। और ये जो एक लाल सूती कपड़ा मिला, इसके काट के डस्टिंग क्लॉथ और इधर उधर पोंछने के लिए कुछ बना लिए। अब ये देखिए, ये शेल्फ, इसमें बड़े बड़े कुकर्स और ऐसे पुराने कुछ स्टील के बर्तन निकले, तो कुछ चीज़ें तो मैंने सेल आउट कर दी और कुछ मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए। आप डीक्लटरिंग अपने हिसाब से करें, जैसे आप हफ्ते में एक घंटा भी कर सकते हैं, या आधे घंटे, या रोज़ 10 मिनट भी दे सकते हैं। अगर आप कोई नया रिप्लेसमेंट लेके आते हैं तो पुराना निकालें। ये देखिए कांसे की कढ़ाई, इसे मैं बफिंग करवा के डेकोरेट करूँगी। ये देखिए पुराना बेलन, ये मैं अपनी मेड के बच्चे को दे दूँगी। मेरे पास एक पुराना चकला भी है। घर में डीक्लटर करने के लिए बहुत से सामान होते हैं, जैसे पुराने बर्तन, टूटी हुई क्रॉकरी, या फिर जिसका सेट बिगड़ चुका हो, एक्सपायरी दवाइयाँ, एक्सपायरी कॉस्मेटिक्स, और नॉन यूजेबल बैग्स, टूटे फूटे गमले, CDs, पुराने कैसेट्स, पुरानी मैगजीन्स जो वर्केबल कंडीशन में ना हो, वो वाली ऐसे चीज़ें, कई प्लास्टिक का सामान, पुराना पेन जो ना लिखता हो, पुरानी बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं। फ्रिज की सफाई में भी बहुत सामान मिलता है, और जो पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको भी आप साफ़ करें, लेकिन वो अकेले ना करें, क्योंकि उसमें कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर होते हैं, तो वो हमेशा अपने साथ एक दो लोगों को लेके करें। और पुरानी इनविटेशन कार्ड्स हैं, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स जो अब इररेलेवेंट हों, पुरानी डायरियाँ, पुरानी बेडशीट्स, और ऐसे मोजे जो अब सिंगल रह गए हों, पुराने जूते चप्पल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, रिजेक्टेड कपड़े हैं। और ये सब जब आप
डिस्कार्ड कर रहे हों तो कुछ दिनों के लिए शॉपिंग भी बंद कर दें, क्योंकि आप एक तो इतनी मेहनत से आप डीक्लटर कर रहे हो और इनफ्लो होता रहे तो मुश्किल हो जाता है। इस तरीके इसके अलावा देखिए इस तरीके के बर्तन, इन सब को भी डिस्कार्ड कीजिए। हमारे पास सफाई में देखिए कई बार ऐसे डब्बे मिलते हैं जिनके ढक्कन नहीं मिलते, ढक्कन मिलते हैं तो डब्बे नहीं मिलते, और उसको हम रखे रहते हैं सालों साल कि अब मिलेगा तब मिलेगा, पर जब अल्टीमेटली आप देखिए एक दो साल रख के नहीं मिलते तो फिर उन्हें भी निकाल दीजिए। इस बार की डीक्लटरिंग में मैंने प्लास्टिक का सब सामान निकाल दिया, बस ऐसे कुछ डब्बे जैसे मैं कई बार ऐसे मेट्स को देने में कुछ सामान यूज़ आते हैं तो वो सारे बांध के एक तरफ रख दिए। डोनेट करते समय आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ डोनेट नहीं करिए जिससे अगले को कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे कि कोई बहुत एक्सपायरी फूड हो या फिर टूटे फूटे कप जिसमें कोई एज कटा हुआ हो या क्रैक हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी निकली हैं इसमें, और मेरी इस डीक्लटरिंग के बाद अभी तो फैला हुआ है, इतना साफ़ हो गया और मुझे इतना हल्का लग रहा है, मुझे चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं। तो ये डीक्लटरिंग आप भी ये दोनों शीशा भी मैं हटा रही हूँ, आप डीक्लटरिंग कीजिए और इसका क्या असर आपको पड़ता है आप मुझे बताइए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट ये दोनों शीशियाँ हटा देते हैं।